एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, राइटर रशिका, एंकर नितिन दहिया, आदिवासियों का मसीहा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बिरसा मुंडा का नाम सुनते ही जहन में एक साहसी व्यक्ति की तस्वीर बन जाती है। वो ऐसे ही जननायक थे जिन्होंने आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा का जन्म 1857 में झारखंड के रांची जिले में एक छोटे से गाँव उली हाथू में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जमकर अपनी आवाज बुलंद की थी। बचपन में उनकी प्रारंभिक पढ़ाई भी एक मिशनरी स्कूल में हुई। यहाँ उन्होंने देखा कि वो लोग आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो भी उनका माहौल उड़ाने लगे। नतीजन उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद वो स्वामी आनंद जी के संपर्क में आए। उन्होंने बिरसा को हिंदू धर्म और महाभारत के बारे में ज्ञान दिया। उसने ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने आदिवासियों को अपने हक और अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। बिरसा ने देखा कि जिस जंगल और जमीन को आदिवासी माँ की तरह पूछते हैं, उस पर अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ मिलकर उनका शोषण करना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के कई अधिकारों का हनन किया था। इसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने मोर्चा खोला। उन्होंने उलगुलान क्रांति की शुरुआत की। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को बताया कि ये उलगुलान सृजन के लिए होगा, शोषण के खिलाफ होगा, उनके अधिकारों के लिए होगा, ब्रिटिश और सामंती व्यवस्था के खिलाफ होगा और लोक सत्ता को स्थापित करने के लिए होगा। फिर बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के दो दल बनाए, एक धर्म का प्रचार करता और दूसरा राजनीतिक कार्य करने लगा। उनके द्वारा गठित गोरिल्ला सेना अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ती रही और कई मोर्चों पर जीत भी हासिल की। अंग्रेज अब बिरसा मुंडा के नाम से हार खाने लगे थे। 1899 में उनकी सेना ने चक्रधरपुर के थाने पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की गोलियों और बम के सामने आदिवासियों के तीर कमान टिक नहीं सके। बिरसा के कई साथी मारे गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बहुत डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने जेल में ही बिरसा को जहर देकर मार डाला और लोगों से कहा कि उनकी मौत हेजे की वजह से हो गई। इस तरह उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए शहादत हासिल की। वो भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन आदिवासी लोक गीतों और साहित्य में वो आज भी जिंदा है। ऐसे ही अगर एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया जाएगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।